हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं अर्चना सिंह आपके सामने लेकर आई हूं 1 मिलियन जीके क्वेश्चन सीरीज का हिंदी में पहली बार यूट्यूब पर मैं लेकर आई हूं आपके सामने। हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे 1 मिलियन जीके के क्वेश्चंस टू द पॉइंट। एक एक वीडियोस में हम करीब 80 से लेके 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे वन लाइनर जीके के, और ऐसे ही करीब हमारी काफ़ी वीडियोस बनती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलता जाएगा मैं अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाती जाऊंगी, और मैं गारंटी देती हूँ, मेरी 100% गारंटी है कि अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया जितना मैं आपको इस सीरीज़ में कराऊँगी, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो UPSC का प्री एग्ज़ाम हो, MPPSC का प्री हो, नवोदय विद्यालय के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो हो, बिहार PCS का एग्ज़ाम हो, मेंस की तो गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि वो तो थ्योरेटिकल आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता, उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन प्री में ज़रूर मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आप ये पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे और आप पूरा पेपर अपना सॉल्व कर लेंगे। जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और विविध खेलकूद, इन सब से रिलेटेड जितने भी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, हम पूरा इस वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। और बहुत अच्छे से आपने एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखा, रिवाइज़ किया बार बार, आपको लर्न रहा, मेमोराइज़ किया आप लोगों ने, तो ये एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से सारे क्रैक कर सकते हैं और आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए 1 मिलियन जीके क्वेश्चन हिंदी में। पहली बार यूट्यूब पर 1 मिलियन क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इसका पार्ट वन। धीरे धीरे मैं इसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगी और इसमें जो भी मैं आपको कराऊँगी लेटेस्ट अपडेशन के साथ कराऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो 1 मिलियन जीके क्वेश्चन हिंदी का पार्ट वन। और होप आप लोग मुझे इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देंगे ताकि मैं ये वीडियो सीरीज़ अच्छे से बना सकूं आप लोगों के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे MPPSC मेंस, UPPSC मेंस और GK के प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, CTET से रिलेटेड क्वेश्चंस, सारे जो भी हर एक टॉपिक जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल है, सबकी वीडियोस मेरे चैनल पे बनाई जा रही है। और जो कि दिसंबर में हमारा प्री UPPSC का होने वाला है, डेट आ गई है 15 दिसंबर की, तो हम वो भी यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पूरा कोशिश करेंगे कि तब तक हमारे 1 मिलियन क्वेश्चन हो जाएं और हम लोग काफ़ी अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर कर सके, क्रैक कर सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं 1 मिलियन GK क्वेश्चन इन हिंदी का पार्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर मान लो ये पृथ्वी है हमारी, ये विषुवत, ये यहाँ नीचे विषुवत रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ये सीधी वाली, तो भारत की स्थिति इस साइड में है, इस गोले के अंदर भारत की स्थिति है। तो ये है उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि यहाँ हमारा ये होगा उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, और पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है, तो यहाँ पर भारत की स्थिति यहाँ हमारी पाई जाएगी। आगे हम बात करेंगे भारत की आकृति क्या है। चतुष्कोणीय है भारत की आकृति, इसका कहने का मतलब है कि भारत आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इस टाइप से भारत की आकृति है, तो ये चतुष्कोणीय आकृति भारत की है। आगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 2.42% है, मतलब कि 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, जो कि 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनाई गई थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जो जनजाति है भारत की वो गोंड में है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है 2रा, पहला स्थान चीन का है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है, मतलब कि टोटल जनसंख्या का 17.5% इंडिया में निवास करता है।
अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 10 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तर और पूर्वी दे इसमें विस्तार पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार, मतलब कि ऊपर से नीचे तक अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसका ऊपर से नीचे तक की लंबाई है 3214, और ऐसे ही पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई की बात करें तो है 2933, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। सबसे पूर्वी बिंदु जो यहाँ पर है वो है वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश ही इंडिया का सबसे पूर्वी स्टेट भी है। सबसे उत्तरी बिंदु है सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। उत्तरी नहीं होगा, यहाँ पर पश्चिमी बिंदु होगा, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है आपका, ये उत्तरी की जगह पश्चिमी बिंदु होगा यहाँ पर सर क्रीक। आगे सबसे उत्तरी बिंदु है जो है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि इंदिरा पॉइंट या जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, निकोबार द्वीप समूह में है। ये पॉइंट सुनामी जब आई थी 2001 में तब उसमें ये पॉइंट डूब गया था, तो अब ये पॉइंट नहीं है, बट समुद्र तट से हम लोग इंदिरा पॉइंट ही जोड़ेंगे। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, मतलब कि दक्षिणी बिंदु जो हमारा है पिगमेलियन पॉइंट, उससे जो भूमध्य रेखा है हमारी उसकी अगर दूरी हम नापे तो 876 किलोमीटर होगी। प्रायद्वीपीय भारत जो कि मुख्य भूमि में दक्षिणी नोक है कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसका मतलब ये है कि जब हमारी मुख्य भूमि है, जो पूरे इंडिया का मैप आपने देखा, ये इंडिया का अगर मैं मैप बनाऊंगी नीचे का, तो नीचे का जो हिस्सा ये वाला है ये, और यहाँ पे है श्रीलंका, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है कैप कैमोरिन और कन्याकुमारी तमिलनाडु। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह में आ जाएगा हमारा पिगमेलियन पॉइंट, तो ये दक्षिण बिंदु नॉर्मल है। और अगर मुख्य बिंदु का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछें तो आप लिखेंगे कैप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु। आगे हम बात करते हैं द्वीपों की संख्या 247 है, 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई जो हम बात करें वो 15,200 किलोमीटर है, और तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 61,000 किलोमीटर। भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से भारत के गुजरती है। अब इन राज्यों की बात हम आगे करेंगे, कौन कौन से राज्यों से, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटा है, मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट हम लोग ग्रीनविच समय से आगे चलते हैं। अगर लंदन में 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ इंडिया में 5:30 बजेंगे शाम के। राज्यों की कुल संख्या 29 है, जो कि अभी नवगठित राज्य तेलंगाना बना है 2014 में, 2 जून 2014। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 7 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों की सीमा को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की जो संख्या है वो 9 है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये 9 राज्य कौन कौन से हैं समुद्र सीमा से लगे हुए। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है, मतलब कि जो समुद्र तट है वो भारत कितना उसे अपने यूज में यूज कर सकता है, तो 12 समुद्री मील अपने यूज में ले सकता है। नेक्स्ट, हम एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर एक समुद्री मील होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो होती है वो कर्क रेखा होती है, भारत के बीचों बीच गुजरती है। समुद्र तट से लगे राज्य 9 हैं, ये सब हम कर चुके हैं। अब ये देख लीजिए आप, कर्क रेखा 8 राज्यों से जो गुजरती है वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ इंडिया का मैप बनाऊंगी ऐसे, तो ये होगी यहाँ से कर्क रेखा, तो यहाँ से होती हुई ये सारे राज्यों से गुजरती है, यहाँ हमारा आ जाएगा पूर्वी, जो हमारे राज्य हैं वो आ जाएंगे पूर्वोत्तर राज्य। तो इसमें दो पूर्वोत्तर राज्य छूते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, दो पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से टच होकर निकलते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश, न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा, मतलब कि कम, सबसे कम वन है हरियाणा में, सर्वाधिक वर्षा होती है मानेसराम जो कि मेघालय में स्थित है, न्यूनतम वर्षा होती है लेह जो कि कश्मीर में स्थित है, सबसे प्राचीन जो पर्वत है वो अरावली है राजस्थान में, और सबसे नवीन जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है जिसे वलित पर्वत भी कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा था। जैसे कि हमने बात की कि अब पूर्वी भाग सबसे पूर्वी स्टेट, और अगर हम वैसे बात करें तो वलांगू, यहाँ पर अगर कोई जगह का नाम पूछेंगे तो वलांगू आएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। अब हम 2011 की जनगणना के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं आज की वीडियो में। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो का काल था 1872, उसमें पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष था 1921, क्योंकि इस साल जनगणना में, मतलब कि भारतीय जनसंख्या में कमी आई थी, माइनस में हुआ था जनसंख्या, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 है, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो काफ़ी जनसंख्या इंडिया की कम हो गई थी, तो 1951 में जब जनगणना हुई तो इंडिया की जनसंख्या जब पाकिस्तान के साथ था उससे काफ़ी डिफरेंस थी। जनगणना की अवधि, ये आप लोग को सबको पता है, प्रत्येक 10 वर्ष में, अब 2011 के बाद 21 में आने वाली है जनगणना दोबारा से। जनसंख्या का अध्ययन जो होता है उसे डेमोग्राफी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना का जो क्रम है वो देश की 15वीं जनगणना है, मतलब जब से जनगणना 1881 से जनगणना शुरू हुई है और अब तक की 15th जनगणना थी ये, और स्वतंत्र भारत की अगर हम 1951 से जोड़ें तो ये 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का जो शुभंकर था 2011 का वो था प्रगणक शिक्षिका। अब 2021 में नया होने वाली है जो चीज़ें, उसके बारे में भी हम लेटेस्ट न्यूज़ जल्द ही लेकर आएंगे। प्रथम जनगणना जो कमिश्नर था वो डब्लू प्लांडेन था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे वो थे आर ए गोपाला स्वामी, जो 1949 से 53 तक थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त ये चंद्रमौली दिखाया गया है, ये 2011 में थे। इस समय अगर हम करंट की बात करें तो विवेक जोशी इस समय हमारे वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं, जो कि 2021 की जनगणना की जिन्होंने कमाल संभाली है। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है और जुलाई चल रही है, इसलिए ये क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 11 जुलाई को। कुल जो जनसंख्या है भारत की 1 to 1.08 करोड़, 121 करोड़ राउंड फिगर में। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है ये हम पहले ही देख चुके हैं, 17.5%। पुरुष जनसंख्या, यहाँ राउंड फिगर की हम बात करें तो 62 करोड़ है, और महिला जनसंख्या 58 करोड़ है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 51.47% पुरुष जनसंख्या है और 48.53% महिला जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि दर है जनसंख्या की 17.7%, और वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%, मतलब कि एक साल में इतनी वृद्धि होती है जनसंख्या में। कुल साक्षरता दर है 73%, पुरुष साक्षरता दर है 80.9%, महिला साक्षरता दर है 64.6%। लिंगानुपात है
943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे, मतलब कि 943 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात जिसमें 0 से 6 साल के बच्चों को लिया जाता है उसमें 919 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पे। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का जिसमें 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है जिसमें 879 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी का है और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीप का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है और इंडिया का क्या है, इंडिया का है 382 और बिहार का है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश की जो कि 17 है, प्रति किलोमीटर 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व है दिल्ली का और सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ और सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है सिक्किम में 6.10 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या जो अभी हमने बात की दिल्ली की है, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वो है लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या में माइनस में वृद्धि हुई है, मतलब कि कमी आई है, वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता जो पाई जाती है वो केरल में है 94% और सबसे कम साक्षरता बिहार में पाई जाती है 61.8% और न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में ही है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में पाई जाती है और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दादर और नागर हवेली में। अधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है और कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व भी 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसमें 75 जिले पाए जाते हैं, सर्वाधिक जिले इंडिया में। अब हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल से रिलेटेड बहुत ऐसी चीज़ें जो एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों को अगर मेमोराइज नहीं करते तो फिर आप एक नंबर से एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। तो सौरमंडल में हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, तो ये थे कॉपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी थी, 8। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे, क्योंकि ग्रह अपनी धुरी पर गति करते हैं और परिक्रमण भी करते हैं सूर्य का, तो ये बताया था कैपलर ने। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध जिसे मरकरी कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र और पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला था इरेटोस्थनी जिसने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। अब वीडियो के शुरू में मैंने पृथ्वी की त्रिज्या आपको बताई थी, आप मुझे वो कमेंट करके बताइए। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है शुक्र और मंगल। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है और एकमात्र उपग्रह है ये पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य और सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्योंकि वो सूर्य से सबसे दूर है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति जिसके 67 उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला बृहस्पति कर लिया हमने। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध और शुक्र, मतलब कि जिसके एक भी उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र के। लाल तथा हरा ग्रह है, लाल ग्रह बोलेंगे मंगल को और हरा ग्रह बोलेंगे वरुण को। पीला ग्रह बोलेंगे बृहस्पति को और नीला ग्रह हमारी अपनी पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस, वो अगर उसे देखें तो वो लेटा हुआ सा दिखाई देता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह होता है अरुण जिसे यूरेनस भी कहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह होता है शनि। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह होते हैं शुक्र जिसे कहा जाता है। सांझ या भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं, इंग्लिश में इसे वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड जो होता है और ये बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं जिसमें से गैनीमिड सबसे बड़ा है।
सबसे छोटा जो ग्रह, यहाँ ग्रह की जगह उपग्रह आएगा, ये ग्रह नहीं है उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह है वो है डीमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति का, सबसे छोटा मंगल का, डीमोस। फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। वलय या फिर छल्ले युक्त ग्रह कहते हैं शनि को, जिसमें 7 रिंग्स होती हैं, 7 छल्ले होते हैं। शनि के रिंग्स की खोज की थी गैलीलियो ने। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से घूर्ण करने वाला ग्रह है बुध और शुक्र, मतलब कि सबसे तेज गति से घूमता है बुध और सबसे धीमी गति से घूमता है शुक्र। सर्वाधिक चमकीला जो तारा है उसे साइरस कहते हैं और डॉग स्टार भी उसी का नाम है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 4.2 प्रकाश वर्ष का समय। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की जो बाह्यतम परत है, बाहरी परत, उसे किरीट या कोरोना भी कहते हैं। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का जो संगठक है, मतलब कि सूर्य में ऊर्जा किससे उत्पादित होती है, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से उत्पादित होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में क्रमशः 8.3 मिनट का समय लगता है। आप इतना लर्न के लिए 8.3 मिनट, नॉर्मली हम लोग 8 मिनट याद करते हैं। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। शूद्र ग्रह कहाँ स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जितने भी छोटे छोटे ग्रह स्थित हैं उन्हें शूद्र ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा शूद्र ग्रह होता है सैरिस, सैरिस लिखा हुआ है ये। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है, तो 27 दिन 8 घंटा लगभग लगाता है एक परिक्रमा करने में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं लगभग, सॉरी 6 नहीं 8 घंटे, यहाँ पे 8 घंटे। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रैक्विलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट वाला कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आज हमने देखा भारत के बारे में सामान्य जानकारी, फिर हमने देखा जनगणना 2011 के बारे में सामान्य जानकारी, और लास्ट हमने देखा सौर मंडल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आप एनसीईआरटी में 6th, 7th, 8th में पढ़ते हैं। ये बेसिक जानकारी है और इस यही हमें लर्न नहीं रहती हैं। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें लर्न करते हुए चलें तो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हैं। आज मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चंस कराए, अब डेली के डेली आप ये क्वेश्चन अगर रिवाइज करते हैं तो इसमें पूरी गारंटी है कि आप कोई भी पेपर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल सक्सेस मंच। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।